नमस्कार, हमारा नाम है पुदु कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूवर्स को प्रणाम। तो नाउ यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ दिया है। ये जो मोदी सरकार, उसने गुड न्यूज़ दिया है। और इन्होंने क्या किया है दरअसल कि इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है जिससे कि सीएनजी और पीएनजी का प्राइसेस, जो गैस उसका प्राइसेस घट जाएगा। आप लोग यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट भी देख सकते हैं, पीएनजी एंड सीएनजी प्राइसेस सेट टू रिड्यूस एज कैबिनेट अनाउंसेस न्यू प्राइसिंग मैकेनिज्म। और जैसे ही ये वाला न्यूज़ आया ना, उसके बाद तुरंत बाद ही, एक दिन बाद ही, मतलब आज के दिन में ही अडानी टोटल गैस, इन्होंने तुरंत ही 8.13 रुपया पर केजी और पीएनजी का 5.06 रुपया यहाँ पे तुरंत इन्होंने घटा दिया दाम को। ये जो सेंटर का ये जो न्यूज़ आया, उसके बाद तुरंत ही इन्होंने घटा दिया अडानी टोटल गैस ने। और आपको बता दें, सीएनजी ऐसे टैंक में आता है जिसमें भरा जाता है, कोई भी गाड़ी में, ये गाड़ी उसके ऊपर इसमें ऐसे टैंक सिलेंडर आता है जिसमें कि सीएनजी भरा जाता है, जैसे कि पेट्रोल की जैसा है। ये गाड़ी अच्छा खासा माइलेज देता है और ये भागता है बहुत ही अच्छे स्पीड से। और यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर अडानी गैस ने यहाँ पर जो इन्होंने जो प्राइस को रिड्यूस किया, उसके लिए यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट ने भी दिखाया, देखिए 8.13 पर केजी इन्होंने घटाया और पीएनजी 5.06 एससीएम इन्होंने घटाया है। मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा गर्माया माहौल पूरे दिन दुनिया में फेमस हो गया ये बात, पूरा भारत में भी, कि अब पीएनजी और सीएनजी का प्राइस अब घटने वाला है। और इन्होंने घटा भी दिया, घटने वाला क्या, पूरा घट ही गया। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पे जो प्राइसिंग मैकेनिज्म जो कि नया वाला लाया गया है, वो एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया है। इसमें क्या कहा गया, ये जो अनुराग ठाकुर हैं, अनुराग ठाकुर जो कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मोदी गवर्नमेंट में, उन्होंने क्या कहा कि अब हम लोग जो प्राइसिंग मैकेनिज्म लाए हैं, उससे पीएनजी और सीएनजी में लगभग 10% और 9% रेस्पेक्टिवली दोनों गैस का दाम घट जाएगा। और ये जो पूरा मामला है, वो 6 तारीख को लाया गया था और सैटरडे को 8 अप्रैल ये पूरा इफेक्ट में आ जाएगा और वही दिन से दाम घट जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे अडानी वाले को देखे कि इस तरह से इन्होंने घटा दिया। अडानी टोटल गैस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसमें कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम किया जाता है। तो देखिए इसी के बारे में हम लोग पूरा वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से इन्होंने ऐसा किया है। इसको मैं पूरा एकदम क्लियर कट में आपको, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर में आपको समझाऊंगा पूरा वीडियो में। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा और पूरे अच्छे से जानकारी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है और यहाँ पे क्यों आखिर ऐसा, आपके मन में ऐसा सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे दाम को घटाना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, और ये नया प्राइसिंग मैकेनिज्म वो क्यों लाया गया है। तो दरअसल देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि मान लीजिए, पहले आपको पता ही है दुनिया में कई गिने चुने ही देश है जहाँ पे कि सरप्लस गैस मिलता है, मतलब नेचुरल गैस, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया। तो यही ये लोग एपीएम गैस के अंडर में आते थे, जिसको कि लेगेसी और ओल्ड फील्ड कहा जाता था, नाम दिया गया था। तो यही लोग होता क्या था कि कई सारे युद्ध होते रहे, जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो गया मान लीजिए, जिसके चलते ये प्राइस को बढ़ा दिया। वहीं पे यूएसए का कहीं से लड़ाई हो गया तो ये लोग बढ़ा दिया, जिसके चलते हमारे इंडिया में भी दाम बढ़ जाता था। तो उसी को देखते हुए हम लोग को एकदम लगभग देखिए, अगर हम लोग बात करें 1 से 2 साल में, तो यहाँ पर देखिए पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पाइप्ड कुकिंग गैस, और यहाँ पर सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका लगभग 80%, मतलब 2021 से 2022 का अगर हम लोग आंकड़ा देखें, तो लगभग 80% इंक्रीज़ हो गया ये दोनों का दाम, सीएनजी और पीएनजी का दाम। क्यों, देखिए हम लोग भारत में ऐसा कुछ रीज़न तो नहीं है बढ़ने के, लेकिन आखिर ऐसा बढ़ा क्यों, क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी प्राइजेस, मतलब आपको मैंने बताया ही कि किस तरह से यहाँ पे यूएसए, कनाडा, रसिया सरप्लस देश हैं ये गैस के मामले में। तो यहाँ पे ये लोग एकदम पूरा मोनोपोली क्रिएट कर दिया है, कुछ भी होगा अपने देश में तो पूरा दुनिया में लोग बढ़ाता था दाम को, जिससे चलते हम लोग को बहुत ही ज़्यादा हैवी, एकदम नॉर्मल पब्लिक को, हम लोग को भारत वाला को बहुत ही ज़्यादा 80% मायने रखता है, कहाँ 20 रुपये सीधे 100 रुपया हो गया दाम, और हम लोग को बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता था इसके चलते। और यहाँ पे हुआ क्या था, ऐसा बढ़ता भी नहीं, लेकिन यहाँ पे 2014 में एक नया गाइडलाइन लाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और इसमें क्या कहा गया था कि जो गैस प्राइस है वो ना
एक बार बढ़ोतरी होगा और सीधे उसके बाद 6 महीना में सीधे गैस प्राइस बढ़ेगा। मतलब एक बार साल में सिर्फ 2 ही बार गैस प्राइस का बढ़ावा होता था। तो जिसके चलते क्या होता था भारत में कि अगर मान लीजिए बीच में रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, चाहे कुछ भी क्राइसिस हो गया, बहुत सारे यूएसए कनाडा चाहे रसिया में लड़ाई हो गया, जिसके चलते वहाँ पे मान लीजिए दाम घट गया चाहे बढ़ गया, तो इंटरनेशनल मार्केट वैसा हो गया, जिसके चलते यहाँ पे जो कंपनीज भारतीय कंपनीज हैं चाहे नॉर्मल जो पीपल हम लोग का में पब्लिक है वो सबको बहुत ही ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता था और महंगाई को झेलना पड़ता था। एक बाइक एकदम अचानक से बढ़ जाता था जिसके चलते यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एकदम परेशानी का सामना करना पड़ता था हम लोग के देशवासियों को। और यहाँ पे हमारे जो कंपनी से ONGC हो गया चाहे इंडियन ऑयल हो गया चाहे और कई सारे कंपनी से, जिनको बहुत सारे लॉसेस झेलना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि हम लोग 6 महीना में एक बार प्राइस को हम लोग हाइक करते थे चाहे फिक्स करते थे, लेकिन बीच में ही अगर दाम घट गया बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में, मान लीजिए अगर हम लोग 10 रुपये में खरीदते थे वो चीज़ अगर 12 रुपये हो गया 6 महीना के अंतराल में, तो हम लोग तो 10 रुपये में ना बेच रहे हैं, वहाँ पर 12 रुपये थे, यहाँ पर 2 रुपये सीधे लॉस, 6 महीना के लिए लॉस होता था। फिर हम लोग 6 महीना आता फिर हम लोग बढ़ाते कि नहीं दाम बढ़ गया है, ऐसे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था और बहुत सारा लॉस होता था। तो यहाँ पे इसी के चलते भारत सरकार ने एक न्यू फॉर्मूला लाया प्राइजिंग, गैस का प्राइजिंग करने के लिए। तो यहाँ पे अनुराग ठाकुर जो कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं हमारे मोदी गवर्नमेंट में, उन्होंने दो इसमें प्राइजिंग जो फॉर्मूला है उसमें आपको मैं समझाता हूँ आखिर कैसे ये नया प्राइजिंग बहुत ही लाभदायक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 टाइप का प्राइज रखा है, एक फ्लोर प्राइस और एक सीलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, फ्लोर प्राइस का मतलब है कि कम से कम जो प्राइस होता है वो एक फ्लोर प्राइस कहा जाता है, और सीलिंग प्राइस मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस जिसको कहें उसको सीलिंग प्राइस हम लोग नाम दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि ये जो फ्लोर प्राइस है वो $4 रहेगा और सीलिंग प्राइस जो रहेगा वो $6.5 रहेगा। आपको समझ में आ रहा है ना, ये कम से कम प्राइस इतना से कम नहीं घटने वाला $4, और इससे ज़्यादा $6.5 से ज़्यादा कभी बढ़ने वाला नहीं है। और ये जो सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस है वो लगभग लगभग 2 साल के लिए लाया गया है, और आफ्टर 2 ईयर्स मतलब जब 2 साल हो जाएगा तो यहाँ पे जो फ्लोर प्राइस तो वही रहेगा लेकिन सीलिंग प्राइस जो है वो $0.25 के दर से बढ़ जाएगा। ये सीलिंग प्राइस 6.5 वो $0.25 से बढ़ जाएगी, ये नया प्राइसिंग फॉर्मूला है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे इस बेसिस से हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हम लोग गैस का जो डिपेंडेंट है, हम लोग का जो गैस हब है उसमें डिपेंडेंट है, उसको हम लोग छोड़ के इंडियन क्रूड बास्केट, ये जो नया सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस है उसको इंडियन क्रूड बास्केट कहा जाता है, उसके ऊपर हम पूरा एकदम टोटली डिपेंड हो जाएंगे। और अभी मैं आपको बता दूँ $8 लगभग लगभग अभी जो प्राइसिंग है अभी नेचुरल गैस का वो $8 अभी चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग भारत सरकार ने कितना $6.5 कर दिया था। देखिए यहाँ से $8 $6.5 यहाँ पे सस्ता हो गया, जिसके चलते अभी नया जो रेट आया उसमें देखें आप लोग कई सारे कंपनियां अभी अपना दाम को घटा दे रहा है, बहुत एकदम गुड न्यूज़ वाला बात है इसके चलते। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस जो है वो जैसे कि आपको पता ही है जो तुरंत एकदम बढ़ जाता है चाहे तुरंत घट जाता है, तो मान लीजिए तुरंत एकदम घट गया तो इससे कंपनीज को कोई डैमेज नहीं होगा, और यहीं पे अगर मान लीजिए तुरंत एकदम बढ़ गया गैस का प्राइस जैसे आदमी को भी ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं, कहा कि यहाँ पे पहले से ही सेट है $4 से लेकर $6.5 पहले से यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसी के बीच में ही रहेगा। तो हम लोग तो पहले से ही डिसाइड कर दिए ना 2 साल के लिए कि इतना ही रहेगा। और यहाँ पे जो गुड न्यूज़, जो मेन गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि किस तरह से यहाँ पे ये लोग 6 महीना जो 6 महीना ये लोग लाता था 6 महीना के लिए, जैसे 6 मंथ्स जो हम लोग पहले जो 2014 में वो लाया गया था 6 मंथ्स में हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे, वही चीज़ अब हर एक महीना जैसे कि 12 महीना साल में आता है तो हर एक महीना अब हम लोग नया प्राइस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ $4 से लेकर $6.5 जो हमें बताया इसी के बीच में हम लोग हर एक महीना न्यू वाला प्राइस इसमें डिसाइड किया जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कोई भी घटना बढ़ना जो भी नॉर्मल है वो इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को घाटा नहीं होगा, देश इससे एकदम प्रगति करेगा और इससे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी कोई दिक्कत नहीं होगी जो आम पब्लिक है। और यहाँ पे जो इंडियन का जो टारगेट है, इंडिया भारत का जो टारगेट है वो लगभग अभी जो गैस का जो अभी सप्लाई है पूरा भारत में वो 6.3%, लेकिन इनका टारगेट है कि हम लोग
15% 2030 तक हम लोग गैस बेस्ड इकोनॉमी बना देंगे पूरा भारत को। ये जो मोदी गवर्नमेंट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नरेंद्र मोदी, उनका ये एम है कि हम लोग आने वाले 2030 तक हम लोग 15% तक हम लोग पूरा का पूरा गैस बेस्ड इकोनॉमी पूरा भारत को बना देंगे। तो बहुत एकदम शानदार बात है, दिल एकदम खुश हो जाता है कि चलिए भारत अभी तरक्की में है। और यहाँ पर ये जो नया नियम लाया गया है, नया गैस प्राइस लाया गया है, जिससे कि अभी अगर हम लोग एग्जाम्पल दिल्ली में अभी देखिए 79.56 डॉलर जो रुपया चल रहा है, माफ कीजिएगा रुपया, तो अभी वो ऐसा जो नया प्राइस मैकेनिज्म लाया गया है उसके चलते 73.59 रुपये से हो गया। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। वहीं पे पीएनजी का बात किया जाए 55 रुपये सीधे 50 रुपये आ जाएगा। मुंबई में भी 87 रुपये चल रहा है सीएनजी का प्राइस, तो 79 रुपीस आ जाएगा। वहीं पे 54 रुपीस पीएनजी का प्राइस चल रहा है मुंबई में, तो 49 रुपीस आ जाएगा। तो बहुत एकदम सराहनीय काम किया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया गया है जिससे कि नया गैस प्राइस मैकेनिज्म से देश का भलाई होगा। और इससे पूरा जो प्राइस मैकेनिज्म जो इंटरनेशनल मार्केट में जो चल रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट चैलेंज करेंगे, और हमारे देश में ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ेगा इस सभी चीज़ों से। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।